अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रिय यूट्यूब चैनल अखंड मंथन भविष्य मालिका वेब सीरीज का सत्रहवा सीजन अब आरंभ हो चुका है और अभी तक हमने आपको कुल तीन एपिसोड दिखाए हैं जिसमें हमने तेरह के अंक का विस्तारपूर्वक विश्लेषण किया है ये तेरह का ही अंक कलयुग में भगवान कलकी के प्रकट होने एवं धरती पर प्रलय आने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है भविष्य मालिका के अनुसार अभी ऐसी कई विशिष्ट घटनाएं तेरह के अंक से जुड़ी हैं जैसे कि त्रिजटा वंश के तेरह शासक आएंगे उसके पश्चात कमल के चिन्ह वाला सत्ता पक्ष में आएगा यह भी लिखा गया है फिर तेरह देश मिलकर भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे और उसके बाद तेरह लाख सैनिक एक साथ शहीद हो जाएंगे आगे लिखा गया है कि तेरह महीने की अवधि तक ओडिशा में युद्ध चलेगा इसी के साथ तेरह अंक से कल की भगवान की लीला भी आरंभ होने वाली है और उसका उल्टा यानी इकतीस पर कल की भगवान की लीला संपन्न हो जाएगी अब आगे क्या क्या होने वाला है इसकी सूचना भी भविष्य मालिका में स्पष्ट रूप से इन छंदों के माध्यम से दी गई है साथ ही ये भी बताया गया है कि भारत के जो अंतिम प्रधानमंत्री होंगे वे भारत पर मात्र तेरह वर्ष तक ही शासन कर पाएंगे जैसा कि पहले यह भी भविष्यवाणी की गई थी कि पीएम मोदी ही भारत के अंतिम प्रधानमंत्री होंगे तब लोगों ने यह समझ लिया था कि 2024 के चुनाव नहीं होंगे ऐसा कई भविष्य मालिका के विश्लेषकों ने भी कहा था कि 2024 के चुनाव भारत के लिए धर्म अधर्म के युद्ध जैसे होंगे भविष्य मालिका के पंचखाओं ने यह भी कह दिया था कि सैकड़ों वर्ष पूर्व ही कि आने वाले समय में ज्योतिष की सारी की सारी जो गणनाएँ होंगी जो भविष्यवाणियाँ होंगी वो धरी की धरी रह जाएंगी और जितनी भी भविष्यवाणियाँ की गई हैं वे सब की सब एक तरह से त्रुटिपूर्ण साबित होंगी यहां तक कहा गया है कि ऐसा भी कल की भगवान की लीला के कारण होगा क्योंकि भगवान मनुष्य का अहंकार तोड़ेंगे और उसे बताएंगे कि जब तक वो ना चाहें तब तक तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता तो चलिए इसी के साथ अब भविष्य मालिका का अगला पन्ना पलटते हैं इसमें क्या लिखा है इसमें श्री अच्युतानंद महाप्रभु लिखते हैं कि तेरह दिनों राजा आसीबे पुड़ी तेरह दलिया तेरह मासो राजा आसीबो पुड़ी तेरह टुपिया अब इस ओडिया छंद को समझाने के लिए हमें आपका थोड़ा समय चाहिए क्योंकि इसमें तेरह के अंक को कई प्रकार से स्पष्ट करना होगा सबसे पहले इस छंद की पहली पंक्ति में लिखा गया है कि तेरह दिन का प्रधानमंत्री होगा तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का तेरह दिन का ये कार्यकाल सोलह मई से सोलह मई से 28 मई यानी उन्नीस तक चला था और इसमें एक वोट के कारण अटल जी की सरकार गिर गई थी और अब आपको बताते हैं कि कैसे तेरह दलों वाली सरकार का गठन हुआ था तो ये तेरह दलीय सरकार भी पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की थी जिसमें तेरह दल सम्मिलित हुए थे और इस प्रकार से राजग यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना की गई थी इस राजग में तेरह पार्टियां सम्मिलित हुई थी जो कि इस प्रकार से हैं पहली पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी दूसरी पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस तीसरी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम चौथी पार्टी समता पक्ष पांचवी शिवसेना छठी बीजू जनता दल सातवीं लोक शक्ति आठवीं शिरोमणी अकाली दल नौवीं पट्टाली मकाल कच्ची दसवीं मारूमलाची द्रविण मुनेत्र कड़गम ग्यारहवीं हरियाणा विकास पक्ष बारहवीं एन टी आर तेलगुदेशम पक्ष तेरहवीं मणिपुर राज्य कांग्रेस पक्ष जनता पक्ष सिक्किम लोकतांत्रिक पक्ष अब इस छंद की दूसरी पंक्ति में लिखा है कि तेरह मासो राजा तो ये तेरह महीने वाले प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल का कार्यकाल 19 मार्च उन्नीस से लेकर 13 अप्रैल उन्नीस तक चला था और इस सरकार में भी 13 दल सम्मिलित हुए थे फिर इसी छंद में लिखा गया है कि फिर तेरहवा टोपी वाला आएगा तो ये बात डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए लागू होती है क्योंकि वे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में भी मनमोहन सिंह ही कांग्रेस के अंतिम प्रधानमंत्री थे और अब आपको बताते हैं कि किस प्रकार से जब माता सीता अशोक वाटिका में थी तब त्रिजटा नामक राक्षसी ने उनकी सेवा की थी इसी सेवा से प्रसन्न होकर मां सीता और श्री राम ने उनके वंश के तेरह लोगों को राजा बनने का आशीर्वाद दिया था तो कांग्रेस के राज में ये तेरह प्रधानमंत्री कौन कौन से हुए हैं अब आपको इसकी जानकारी देते हैं जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री इंदिरा गांधी मोरारजी देसाई चरण सिंह राजीव गांधी विश्वनाथ प्रताप सिंह चंद्रशेखर पी वी नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी ये जो हैं ग्यारहवें प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा और बारहवें प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल और तेरहवें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब आपको बताते हैं कि जिस तेरह के अंक से कल की भगवान की लीला का गहरा संबंध जुड़ा हुआ है उस तेरह के अंक का भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से किस तरह से संबंध जुड़ा हुआ है तो आपको बताते हैं कि तेरह सितंबर दो को गोवा में मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया गया था 26 मई 2014 से 13 मई 2024 तक पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे और उसके बाद 13 जून 2025 तक वे 10 वर्ष 13 माह तक ही भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे यानी चुनाव में विजय प्राप्त होने के बाद भी प्रधानमंत्री 4 जून के बाद मात्र 13 माह तक के लिए ही भारत के प्रधानमंत्री का पद सुशोभित करेंगे ऐसा कुछ जानकारी दी गई है भविष्य मालिका में इससे पूर्व वे तेरह वर्ष तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं तो यहाँ भी तेरह वर्ष तक उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तेरह का अंक भारतीय राजनीति का एक अहम और महत्वपूर्ण अंक बन गया है अब श्री अच्युतानंद महाराज आगे के उड़िया छंद में लिखते हैं कि मटो मटो करी चाही बे मसाड़ी अनाई चंडी चामुंडा माती बे मसाड़ी कूजे छाड़ी इसका अर्थ ये हुआ कि शमशान कब्रिस्तान की बातें भी राजनीति में चलेंगी और शमशान और कब्रिस्तान को सजाया जाएगा वहाँ लाइट लगाई जाएगी घर बनेंगे और फिर चंडी चामुंडा भूत प्रेष शमशान छोड़कर आतंक मचाएंगी जैसा आप भी कई बार समाचारों में देखते होंगे कि शमशानों के नवीनीकरण के कार्य में उन्हें सजाया सवारा भी जा रहा है तो ये बात भी सत्य सिद्ध होती हुई दिख रही है आगे लिखा गया है कि तेरह टोपिया राजूती होबो पुड़ी दासो वर्षे चीना आसीबे झाई झाई पवन बहीबो तेरह मासो अंते पुड़े अनंत असीबे अर्थात तेरह टोपी वाले यानी तेरह दलों के सहयोग से सरकार चलाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का राज 25 मई 2014 तक ही चलेगा और उसके बाद मनमोहन सिंह जी के राज के 10 वर्ष के बाद यानी 24 मई 2024 को चीन आएगा तो इस दृष्टि से देखा जाए तो जो भविष्यवाणी की गई है तो 24 मई 2024 को चीन द्वारा भारत के किसी भाग पर आक्रमण घुसपैठ जैसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है या फिर इसी समय के आसपास चीन का कोई नया कारनामा भी आपको देखने को मिल सकता है जैसा कि हमने आपको बताया है कि चीन भारत को आर्थिक महाशक्ति बनते नहीं देखना चाहता इसीलिए उसे युद्ध में उलझा उसकी प्रगति को रोकने का भी प्रयास करेगा तो इस बात की भी आशंका है कि चीन 24 मई तक भारत के साथ किसी भी सीमा विवाद को लेकर कोई एक बड़ा संघर्ष भी खड़ा कर सकता इसी छंद में यह भी लिखा गया है कि झाई झाई पवन अर्थात आंधी तूफान चलेगा और फिर तेरह महीने बाद तेरह जून दो को अनंत केसरी आएंगे अर्थात कल भगवान इस समय प्रकट होंगे तो जब कल भगवान का आगमन होने वाला होगा तब सुपर सोनिक गति से हमाएँ चलने लगेंगी और इसी के बाद कल की भगवान संसार के सामने प्रकट हो जाएंगे फिर इसके आगे के ओडिया छंद में भी श्री अच्युतानंद महाप्रभु लिखते हैं कि कली छाड़ी जीबो सत्य प्रकाशिबो पतला होइबो जनों जनो शकुंतला आसी बंदा पना करी से बे प्रभु पोयोरो अर्थात कल की भगवान का प्राकट्य ही कली पुरुष का वध करने के लिए होगा और इसी कली के जाने के बाद भगवान संसार के सामने का सत्य प्रकाशित करेंगे और इस सत्य प्रकाश के समय इतनी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी कि संसार की जनसंख्या आकस्मिक रूप से बहुत कम हो जाएगी इसका संकेत इन पंक्तियों में भी मिलता है कि पतला हो जनों अर्थात लोगों की जनसंख्या कम होगी और इसके बाद शकुंतला आएंगी और कल की भगवान के चरणों की सेवा करेंगी फिर इसके बाद आगे के छंद में महाप्रभु लिखते हैं कि अनंत केशरी हे बे राजा सृष्टि हो बो पुष्टि आनंदे रही तो ही भारतो रो जनोगोष्ठी अर्थात कली राक्षस यानी कलियुग के अंत के बाद अनंत के श्री राजा बनेंगे और सारी सृष्टि हरियाली से भर उठेगी भारत का जनु समुदाय आनंद और उल्लास से भर उठेगा तो देखा आपने कि किस प्रकार से तेरह का अंक भारत की राजनीति से लेकर कल भगवान के प्राकट्य तक से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें कि 13 मई उन्नीस को ही भारत ने परमाणु परीक्षण करके स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में अपनी शक्ति का एक कदम और आगे बढ़ा दिया था भारत ने 11 और 13 मई उन्नीस को राजस्थान रेगिस्तान में पोखरण रेंज में उन्नत हथियार डिजाइन के पांच परमाणु परीक्षण किए पहले तीन विस्फोट तीन बजकर पैंतालीस बजे एक साथ हुए 11 मई को आई एस सी टीम इनमें से एक 45 के टी थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस एक 45 के टी विखंडन उपकरण और एक शून्य दशमलव दो के टी उपकरण किलोटन यानी एक किलो टन से कम उपकरण भी सम्मिलित थे तो दर्शकों भविष्य मालिका के सत्रहवें सीजन के चौथे एपिसोड में आज बस इतना ही मिलते हैं इसी सीरीज़ के पाँचवें एपिसोड में और आपको बताते हैं कि सत्रहवें सीजन में अभी हम आपको तेरह ही एपिसोड दिखाने जा रहे हैं इसके बाद भी कई रहस्यों से पर्दा उठना अभी शेष है तो बने रहें हमारे साथ और तो देखते रहें अखंड मंथन यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा धन्यवाद नमस्कार